हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ में कर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। थैंक यू सो मच यार, आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आपने मुझे ऐसे ऐसे नींद झंझोड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच। तो आज हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है गुलमर्ग से रिलेटेड। गुलमर्ग पे काफ़ी सारी सजेशन आ रही थी और लास्ट टाइम हमने कोई अच्छी वीडियो सेलेक्ट नहीं की थी, तो इसलिए हम दोबारा गुलमर्ग पर देख रहे हैं, दिल्ली टू गुलमर्ग 2021। और वीडियो देखने से पहले एक अनाउंसमेंट, अगर इजाजत हो आपकी तो ना यार शो प्लीज। 31 दिसंबर 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में, 30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम लोग लाइव आएंगे 2020 के एंड लास्ट डे पे, सो यू कैन जॉइन अस। तो कुछ आखिरी बातें 2020 की जो हम अच्छी बातें क्या 2020 की। अच्छा 2020 की आ रही यार। नहीं भाई नहीं करना नहीं तुझे, मैं भी ताज़ा ताज़ा कोरोना होके गुजरा, आखिरी बातें कुछ मैं आपको अपने दिल की कुछ आखिरी बातें कुछ राज सुनाना चाहूँ। लाइव आके कह देते हैं क्या पता। So, चलो लेट्स, वो नहीं होता वो, इफ यू आर वाचिंग दिस इट मींस समथिंग बैड हैड हैपेंड। लेट्स सी द वीडियो। आई लर्न द ट्रिक कैसा ये मैं देख रहा हूं। बर्फ तो बड़ी हैवी पड़ती है। आई होप अब मैं ना गिरूं। नहीं यार इतना मुश्किल नहीं होता बर्फ पे चलना है यार। दिख रहा है कितना बैलेंस कर रहे हो तुम। स्वागत है आपका कश्मीर के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में। गुलमर्ग जिसे मीडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में ये आपको मीडो ऑफ स्नो दिखेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे गुलमर्ग कैसे पहुंचते हैं, देखेंगे हमारे होटल से ब्यूटीफुल व्यू, गोंडोला राइड डिटेल्स, चलेंगे फेज वन पर, करेंगे स्नो एक्टिविटीज एंड ETV राइड। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता लगभग 2 घंटे का है। तो हम टनमर्ग आ गए और ये देखिए कुछ इस तरह से होती है चेन वाली गाड़ी, टायरों में कुछ ऐसी चेन बंधी होती है और यही चेन वाली गाड़ी बर्फ पे स्लिप नहीं होती है, इसलिए यहाँ से ये वाली गाड़ी लेनी पड़ती है। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता टनमर्ग से होते हुए जाता है और विंटर में टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए चेन वाली कार लेनी होती है। हम आ गए हमारे होटल। ये है गुलमर्ग का हमारा रूम जहाँ हम रुकने वाले हैं 2 दिन। ये है होटल फ्लोरेसेंस, ये हमारा बेड और जो हीटिंग बेड है, और इस रूम की मेन खासियत जो है वो आपको दिखेगी इसके बाहर जो हमारे रूम का व्यू है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी शाम हो गई है तो कम दिख रहा होगा, बट जस्ट होटल के सामने तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में व्यू कुछ ऐसा दिखता है। मॉर्निंग, तो सुबह के 10 बज चुके हैं और हम रेडी होके अपने होटल से निकल आए हैं। अच्छी गुडनेस, यस। और आप देखिए चारों ओर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे चलना एक बड़ा टास्क है, पैर फिसल रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है बहुत चलने में। तो एक मंकी ने एक डॉगी से मुलाकात की अभी अभी। एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ JKTDC का 1 BHK से लेकर 5 BHK तक कॉटेजेस हैं, तो आप उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल करिए। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपको एक इंडिविजुअल हाउस में रहना है, जो कि आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस होगा एक, तो आप वो बुकिंग कर सकते हैं। टाइम 11 बज चुके हैं, अभी भी काउंटर चालू नहीं हुआ है और हमें टिकट नहीं मिला है, अभी तक राइड स्टार्ट नहीं हुई है और 11 बज गया है। और यहाँ जैसे आप होटल से निकलते हो स्लेज वाले गाइड आपके पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक हमारे पीछे पीछे हैं। 1000 से शुरुआत किया था, अभी 200 पे आ गए हैं। आई डोंट नो, मैंने कुछ वीडियोज़ कुछ वेबसाइट पर कुछ पढ़ा था रिव्यू कि ये लोग पहले लेके जाते हैं 200 में और फिर बाद में आके बोलते हैं 1700 लेंगे। आई डोंट नो हम करते हैं या नहीं, अभी तक तो लग रहा है कि हाँ चलो 200 बोल रहे हैं तो कर ले। वो बोल रहे हैं कि ऊपर जाएंगे, हेल्प करेंगे, फोटो लेंगे, डॉट बार्गेनिंग भी करेंगे हमारे लिए। तो अभी टिकट विंडो ओपन हो गई है और टिकट लेते हैं यहाँ से। और ये हमें टिकट मिल चुका है
पर पर्सन ये 740 रुपए का है। ये तो राइट स्टार्ट मिलेंगे। So we are on top of phase 1 and this is magnificent. ऐसा सिर्फ मैंने movies या videos में देखा है, real life में कभी नहीं देखा है। Snow covered peak, gondola ride बहुत अच्छी है और phase 1 ही अभी चालू है, phase 2 चालू नहीं है। Phase 2 जाते हैं तो on top of that peak, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं। अभी phase 1 है और phase 1 पे ही इतनी आइस है कि फेस टू जाने की जरूरत नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू हैव टू कम हियर इन द विंटर। तो कैसा लग रहा है चलने में? बहुत हैवी शूज हैं, अभी तो आप देख सकते हो कैसे चल रहा हूँ, मेबी इट्स बेबी स्टेप्स। अभी आप देख रहे हैं ट्रेनिंग लेते हुए, जब मैं सुपर स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा तब आप देखना। और जल्द ही मुझे ये रियलाइज हो गया कि कुछ घंटों में स्पेशलिस्ट नहीं बना जा सकता, बट दिस एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। ये 7 अलग अलग होल से स्प्रिंग होता है, बीच में देखिए, बीच में इसके नीचे देखिए, ओके है ना, ये पानी कभी फ्रीज नहीं होता है। आजकल पानी जम रहा है ना हर जगह, ये पानी ऐसा ही देगा। ये यहाँ पर छोटे छोटे से रेस्टोरेंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ पेट पूजा करने के लिए। क्या है हमारा कश्मीरी पुलाव, स्नो राइड होता है ये। यहाँ K1, K2, K3, K4 चार पॉइंट है पर किलोमीटर डिफरेंस। K1 तक वो आगे चलाएंगे, आप पीछे बैठेंगे, K2 में वो आपको चलाने के लिए देंगे, बट एक बंदा जो उनका रहेगा वो हमेशा आपके आगे रहेगा और आप पीछे रहोगे। K3 पॉइंट तक के वो बोल रहे हैं 2200 पर पर्सन, जिसमें डिस्काउंट करके वो 2000 कर देंगे। ये है स्नो राइड की चार्जेस, इफ यू वांट टू डू इट दैट्स द इंफॉर्मेशन फॉर यू। अभी हो गया मेरा पर्स, देखो मेरे पर्स से इनके पर्स में जा रही है। ये हमारा एटीवी बाइक और हम इसको जाएंगे 9 किलोमीटर का राइड लेंगे, 3-4 पॉइंट से डायरेक्ट होटल ड्रॉप करेगी। सो अभी चलते हैं। और ये जो स्पॉट है, बुमरो बुमरो गाना जो है वो यहीं पर शूट हुआ था, मिशन कश्मीर मूवी का। ये जो सामने आपको टेंपल दिखाई दे रहा है, शिव जी का मंदिर है ये, और यहीं इसी मंदिर में जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ वाले गाने की शूटिंग हुई थी। कैसा रहा? मस्त, बहुत ही अच्छा लगा। सो यहाँ गुलमर्ग में नीचे एटीवी राइड होती है, एटीवी राइड के रेट गवर्नमेंट रेट कुछ और हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बार्गेन करेंगे तो रेट कुछ और हो जाएंगे। तो जो हमने राइड ली 9 किलोमीटर की, वो हमें पड़ी 1200 रुपये पर पर्सन, जिसमें वो आपको 3-4 स्पॉट कराते हैं, आपको खुद ड्राइव करवाते हैं, वो वापस ला के उन्होंने हमें होटल छोड़ दिया है। तो मे भी हमें महंगी भी पड़ी हो, हमारे जो गाइड था उसने हमें करवाया। ये आपके लिए है कि अगर आप आएँ, अभी पीक सीज़न नहीं है, इस सीज़न में रेट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा हैं। आप ये समझिए कि हमें ऊपर से नीचे आने तक गुलमर्ग में 5000 रुपीज़ लग गया, जिसमें हम दो लोगों ने ETV राइड की और मैंने स्कीइंग किया एक लोगों ने, और फेज वन का टिकट, जिसमें टोटल अप्रॉक्सीमेट खर्चा 5000 आया, 200 रुपये गाइड ने लिया। जनरली 200 रुपये गाइड लेता नहीं है, बट थोड़ा बहुत कमीशन उसका इन लोगों के साथ होगा। जनरली अगर आप पीक सीजन में आएंगे तो
तो रेट उस टाइम बढ़ जाते हैं। बहुत ठंडी लग रही है और एक्चुअली हमारे होटल में शेफ नहीं है, छुट्टी पर गया है, तो हम बाहर निकले हैं कहीं किसी और रेस्टोरेंट में होटल में जाके देखते हैं कि चाय पकौड़ा मिलेगा। पकौड़ा खाने का मन है, इतनी सर्दी है, बहुत इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, वेरी हार्श कंडीशन, और इस कंडीशन में ब्लॉग बना रहे हैं। सो प्लीज एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बताइएगा कोई वीडियो कैसा लगा। दिस इज जस्ट टू ऑफ अस मेकिंग दिस ब्लॉग्स, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू मेक दिस ब्लॉग्स नो एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, कि आपको मोटिवेशन मिले घूमने का। एंड कमेंट में हमें बताइए अगर आपको कोई और मॉडिफिकेशन और चेंजेस चाहिए हैं तो। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर। यार इसका लाइक शेयर बनता है, इतनी मुश्किल से वो बोल रहा था लास्ट में सर्दी से, मुझे तो यार बोला भी नहीं जा रहा। बड़ा क्यूट किस्म का कपल लगा मुझे, बहुत मजे, और मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि दो जो इन्होंने एंड पे लाइन बोली कि हम लोग व्लॉग्स बना रहे हैं ट्रैवल करते हुए ताकि आप लोगों को ट्रैवलिंग की मोटिवेशन मिले, दैट इज रियली नाइस, ट्रैवलिंग इज मस्ट। हाँ, तो बैठना नहीं चाहिए टिक कर कहीं भी, तो जाना चाहिए। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और दूसरों को ट्रैवलिंग की मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, आई लाइक दोस पीपल, तो उस हिसाब से दे आर सो गुड, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। और बड़े अच्छे से इन्होंने व्लॉग बनाया और मुझे दोनों बड़े नाइस, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाने के बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज लगी हैं दोनों, नाइस क्यूट। तो इनका व्लॉग देखकर मजा आया, लेकिन जगह देखकर और भी मजा आया और जाने का दोबारा से दिल कर रहा है, स्नो में आइस में दोबारा जाएं। और वो बंदर वाली बात अच्छी थी, बंदर तो वो भी अच्छा था, सो इट वॉज नाइस। और थैंक यू सो मच, काफी ज्यादा सजेशन आ रही थी गुलमर्ग को लेकर, काफी सारी सजेशन आई हुई थी, कुछ वीडियो बहुत लेंथी थी, कुछ बहुत छोटी थी। पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी, वो उसमें क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं थी, वो सिर्फ व्यूज थे तो वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत प्यारी लगी, ये कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी थी, इसमें काफी अच्छे से काफी डिटेल से चीजें डिस्कस की हैं, तो ये जगह देखने के लायक है मेरे ख्याल से, जाना चाहिए, प्लान करना चाहिए और जाना चाहिए, और जाना भी विंटर्स में ही चाहिए, इतनी आइस कवर्ड। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप समर में जाएंगे तो ये जगह और ज्यादा प्यारी लगेगी। चलें दोनों एक्सपीरियंस करें और बताएं कि समर या विंटर्स। ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर, आई लाइक ग्रीन लेयर। ओके, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाएं, विद फ्लावर्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, लाइक जंगल एंड लाइक दिस, सो ना मेरा हंसा निकल रहा है अगर एकदम से यार ना इस तरह की। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके बताएं, और हाँ तो आपको फ्लावर्स कैसे लगी ये भी हमें नीचे कमेंट करके बताएं, करो वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें, एंड हमारे ब्लॉगिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, और हम लाइव आएंगे तो यू कैन जॉइन अस ऑन लाइव सेशन एज वेल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।